ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन अक्सर व्हाइट ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड के बीच कंफ्यूजन रहते हैं कि दोनों में से कौन सा खाना सही होगा। ये समझने के लिए कि कौन सा ब्रेड सही है, हमें ये जानना होगा कि ये दोनों ब्रेड किस चीज और किन तरीकों से बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट ब्रेड रिफाइंड आटे से बनाई जाती है, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसमें चोकर हटा दिए जाते हैं। हालांकि होल व्हीट ब्रेड ये पूरे आटे से बनाई जाती है, जिसमें चोकर के साथ साथ पूरा अनाज होता है, इसलिए इसमें व्हाइट ब्रेड की कंपेयर में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और विटामिन होता है। होल व्हीट ग्रेन ब्रेड आमतौर पर व्हाइट ब्रेड से ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब ये जानते हैं कि दोनों ब्रेड के न्यूट्रिशन प्रोफाइल में क्या अंतर है। व्हाइट ब्रेड और होल व्हीट ग्रेन ब्रेड की न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोफाइल उनके प्रोसेस्ड होने के तरीके के कारण काफी अलग होती है। व्हाइट ब्रेड में फाइबर की मात्रा कम होती है, वहीं होल व्हीट ग्रेन ब्रेड में विटामिन और आयन ज्यादा होते हैं, जिनमें विटामिन बी, आयन और मैग्नीशियम शामिल। जबकि आटे की रिफाइनिंग के दौरान सफेद ब्रेड को अक्सर विटामिन बी जैसे कुछ विटामिन्स और आयन के साथ मजबूत करने की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि होल व्हीट ग्रेन ब्रेड में क्या खासियत। अगर आपको ब्रेड खाना काफी ज्यादा पसंद है तो आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। वहीं होल व्हीट ग्रेन की बनी रोटी खाने के कई सारे फायदे भी होते हैं। फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही हार्ट को भी हेल्दी रखता है। होल व्हीट ग्रेन से बने ब्रेड खाने से आपको पेट भरा भरा सा लगता है, साथ ही ये भूख को भी कंट्रोल करता है। लेकिन ये सब के साथ साथ फल, सब्जी, प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि चीनी और मैदा कम से कम खाने से आप हेल्दी रहेंगे। हालांकि कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड घर पे ही बनाए। ऐसे कई वीडियोस अवेलेबल हैं जिसे देखकर आप खुद ब्रेड बना सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में जो ब्रेड अवेलेबल है उसमें मिलावटी काफी ज्यादा होती है, जो आपके लिए सही नहीं।